नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में एक ओलंपियाड का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये बता देना कि आपने मेरे से पहले ही सॉल्व कर दिया था, ठीक है? तो इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे की जाए? थोड़ा सा कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा ऐसा करना है। देखो, सारा खेल ना प्रैक्टिस का है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी बातें, नई नई बातें पता चलेंगी, उतनी नई नई अप्रोच आपको पता चलेंगी, ठीक है? आइए शुरुआत करते हैं। तो आपको दिया हुआ है बी माइनस वन बाई बी इक्वल टू सी, ए माइनस वन बाई ए इक्वल टू बी, वन बाई ए इक्वल टू बी एंड सी माइनस वन बाई सी इक्वल टू ए। तो मैं देखा यहाँ मुझे ए का स्क्वायर चाहिए, है ना, वन बाई ए स्क्वायर, वन बाई बी स्क्वायर, वन बाई सी स्क्वायर चाहिए। यानी कि स्क्वायर तो करना पड़ेगा, है ना। स्क्वायर करूँगा दोनों साइड तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। तो यानी कि मैंने इसका इधर स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। तो मैंने फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू बी इंटू वन बाई बी इक्वल टू क्या हो गया, सी का स्क्वायर। इस बी से ये बी कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, सी स्क्वायर। ये आ गई पहली इक्वेशन, क्लियर है बात? ये आ गई भाई पहली हमारे पास स्टेटमेंट आ गई, क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात आपको समझ आ गई है ना, ठीक है? ये वाली बात आपको समझ आ गई, ये है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है? इसी तरह से हमने इसमें भी ये परफॉर्म किया सेम। तो हमने कहा दोनों तरफ का क्या कर दो भाई, स्क्वायर कर दो। तो ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर माइनस का टू इक्वल टू बी का स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस का टू भी तो था यहाँ पे, तो ये माइनस का टू उधर ले जा लेते, प्लस का टू हो गया। इसमें भी ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टू, ठीक है भाई? ये आ गया हमारे पास सेकेंड, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक। नेक्स्ट, ऐसे ही उसमें भी किया हमने। तो अगर मैं डायरेक्ट लगाऊँ और आप समझ गए हों, तो सी स्क्वायर प्लस वन बाई सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू, ये आ जाएगा, हाँ या ना? उम्मीद कर रहे हैं इतना तो आपको समझ आ गया है, क्लियर है भाई? ये तीन बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, है ना। अब लेकिन हमें निकालना है वन बाई ए स्क्वायर, वन बाई बी स्क्वायर और वन बाई सी स्क्वायर की वैल्यू। तो मैं इसको थोड़ा सा ज़रा छोटा कर दूँ पहले। अब ज़रा ध्यान से देखना भाई, ये हो गया, ठीक है, इतना आ गया आपको समझ। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, यानी कि इस वाले को भी, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, इन तीनों को क्या कर दूं, मैं ऐड कर दूं, राइट वाला राइट के साथ और लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ ऐड कर दें, राइट वाले, तो बी स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन बाई सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस टू, सी स्क्वायर प्लस टू प्लस बी स्क्वायर प्लस टू प्लस ए स्क्वायर प्लस टू। अब ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से, क्वेश्चन ख़त्म ही हो गया भाई। ये बी स्क्वायर इधर पॉजिटिव का है, ये इधर आएगा तो नेगेटिव का होके कट जाएगा, ये ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा और इस सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। अच्छा, वो टू है, मैंने गलती से बी लिख दिया है, ये टू है, ये प्लस का टू था, ठीक है? तो अब हमारे पास बच गया वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर प्लस वन बाई सी स्क्वायर इक्वल टू किसके, सिक्स के। टू प्लस टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स। सिंपल एडिशन तो सबको ही आती होगी ना, दो दो जोड़ना तो आता ही होगा। देखो दो में दो कैसे जोड़ते, दो और दो, तो एक दो, एक दो, छः ही लिख देता हूँ, ऐसे तुक्का, ऐसे नहीं मानना। तो उम्मीद कर रहे हैं ये आपको समझ आ गया है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। इस तरह से अगली बार मैं अभी कुछ दिनों बाद लेके आऊँगा आपके लिए क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन पहले आपसे मांगूंगा और फिर मैं दूंगा, देखते हैं ना आपको कितने दिन तक चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।